विराट को होगी काकू की बात पर हैरानी कि वो इस तरह खुद कह रही हैं पाकी से रिश्ता तोड़ने के लिए। आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि इस रिश्ते में रहके तो एक के बाद एक सबके साथ नाइंसाफी किए जा रहा है। मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ? किसके साथ? सबसे पहले तू सई के साथ नाइंसाफी कर रहा है। वो तेरे साथ एक ही छत के नीचे रहकर भी अकेली है, बिना किसी के सहारे के। आखिर उसने किया क्या है जो वो एक अकेली औरत वाली जिंदगी बिता रही है? उसे वो प्यार, वो अपनापन, वो परवाह क्यों नहीं मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए, जो उसका हक है? और सही के बाद तू अगर किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है तो वो तू खुद है। काकू कराएंगी विराट को असलियत से वाकिफ कि उसका सही के बिना दम घुटता है। और पत्रलेखा के साथ तेरा दम घुटता है, और जब भी तू पत्रलेखा के साथ होता है तो तेरा मन सही की तरफ दौड़ता है। तूने ही कहा ना कि सही के साथ रहने में तुझे खुशी मिलती है, तो क्या ये खुशी तुझे गुनहगार होने का एहसास नहीं दिलाती? शादीशुदा होने के बावजूद तू किसी और के बारे में सोच रहा है, किसी और से प्यार कर रहा है। विराट, तूने अपने आप को इतने हिस्सों में बांट दिया है। काकू कहेंगी कि विराट कर रहा है पत्रलेखा के साथ नाइंसाफी। और सबसे बड़ी नाइंसाफी तो तू पत्रलेखा के साथ कर रहा है। जरा सोच उसके बारे में। तेरा प्यार, तेरा वक्त, तेरा अपनापन पाने के लिए वो क्या क्या कर रही है, और वो किसी भी हद तक जा सकती है, और इस सब में वो हम सब की नजरों में गिर रही है, और सबसे ज्यादा तो वो खुद की नजरों में गिर रही है। विराट, अगर तेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है तो ये बात साफ कर दे ना, इस नाम के रिश्ते से आजाद कर दे उसे। बेटा, इस तरह उसे तड़पा कर क्या मिलेगा? काकू देगी विराट को राय कि किस तरह से अब वो पूरी तरह से सही का हो सकता है पाकी को छोड़कर। छलावे से मुक्ति दे और खुद भी आजाद हो जाए। एक बार उसे एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी जिंदगी तो जी सकेगी। इस तरह रोज रोज घुटने से अच्छा है कि वो एक ही बार जी भर के रो ले। उसके बाद तू और वो दोनों आजाद हैं। तू अपने दिल की सुन पाएगा, तेरा दिल जहां चाहेगा वहां तू जा पाएगा, सही का हो पाएगा तू।